मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब जहां प्रशासन ने दूसरे और तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं अंतिम दो चरणों में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों का तूफानी जनसंपर्क जारी है। वहीं अगर बात करें अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत डोडिया की, तो यहाँ 3 प्रत्याशियों के बीच सरपंच पद के लिए मैदान है। वहीं बलराज सिंह यादव को जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीत पर भरोसा जताया है। पिपराई तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत ढोडिया में सरपंच चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां सरपंच पद की रेस में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला गांव के 1,464 मतदाता करेंगे। गांव में जल संकट, सड़क, ड्रेनेज और साफ सफाई जैसी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में ग्रामीण मतदाता गाँव का ऐसा मुखिया चाहते हैं जो उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही गाँव के विकास में भी अपना योगदान दे सके। देखिए, आज हम एक ग्राम पंचायत ढोड़िया में खड़े हुए हैं और ग्राम पंचायत ढोड़िया के जो व्यक्ति गांववासी, इन लोगों से चर्चा करना है कि आप इस ग्राम पंचायत में किसको चाहते हैं? हम ग्राम पंचायत में सरपंच के रूप में बलराज सिंह यादव को चाहते हैं। जी, तो ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया है कि जनता के दिलों में जो बलराज सिंह की छवि, एक सुंदरता और एक विकास की नई जो उमंग है, जो उनके अंदर दिख रही है, वो हमारे लिए अभी कहीं छा रहे, इसलिए हमारे दिलों में जो बलराज सिंह छा रहा है। तो बलराज सिंह यादव जो सरपंच उम्मीदवार हैं जी, तो इन्होंने जो आपको कुछ आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन दिया मैंने, जनता के हित में आश्वासन दिया है कि मतलब लेटरिन, शौचालय, कुटी, सीसी और जैसे सड़क कहीं दिक्कत है कच्ची, सड़क बनवा के तैयार करेंगे। ऐसी बीपीएल में जो राशन की पर्ची नहीं है, उनके लिए पर्ची बनवाई जाएंगी। कहीं से मतलब जनता के लिए इनका कहना यह है कि दिक्कत नहीं आने दूंगा जो मैं। तो आपको जो आश्वासन दिया है जी, तो वो कार्य बिल्कुल पूर्ण करेंगे, जो हमारे लिए गर्व से कह रहे हैं, भरोसा है उन पर। तो आप आपका ही है, पूरे गाँव वाले पूरे गाँव का, पूरे पंचायत में जनता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से उनका भरोसा है। तो इसका मतलब वो इधर से ग्राम पंचायत से पंचायत चुनाव जीतेंगे? जी बिल्कुल, 101.2% जीतेंगे। जी, ठीक है। जगदीश यादव पिपरी से, खबर मध्य प्रदेश चैनल से। हालांकि जनसंपर्क के दौरान बलराज सिंह यादव को मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए बलराम सिंह यादव ने कहा कि अगर पंचायत चुनाव में उन्हें मतदाताओं का आशीर्वाद मिलता है तो वो गांव के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बलराज सिंह, तो आप पंचवर्षीय चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच के ऊपर? अच्छा, आपने ग्रामीण से बात की? हाँ, कही। ठीक, उनका क्या कहना है? उनका कहना है, हाँ बिल्कुल लड़िए आप, बहुत धन्यवाद है और हमें विश्वास है तुम्हारा कि मतलब तुम हमारा काम कर सकते हो, विकास करो। चुनाव जीत के आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए जो योजना जनता की है वह योजना पूर्ति करें, जनता के हित में जो है काम किया जाएगा, जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ भी कछु भी जरूरत पड़ गई बा का पूरा मतलब करेंगे। उससे पहले आपने जनता का कुछ हित किया? हाँ, किया है। क्या किया? पूरे गांव में पिलाऊ फ्री में कराए, 4-4 बीघा वाटर सेट में, सिंचाई पंप दाए और दवाई पंप दाए, सोयाबीन छानत की मशीन के पंप मतलब अभी गांव में बटी, हर कोई से पूछ सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको जनता ने आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़ो? जनता ने ही खड़ा किया कि आप खुद ही खड़े? जनता ने किया, अपन ने अपने मन से नहीं किया। अच्छा, इससे पहले कुछ वर्तमान जो सरपंच था उसने कुछ विकास कार्य वगैरह कुछ किया? करा है, लेटरिन, शौचालय, मोचालय बनवाई, सीची मीसी करवाई, गौशाला वौशाला बनवाई। अच्छा, सीसी वगैरह गाँव में सीसी है? कछु नहीं, कछु नहीं। अच्छा, तो आपका कहना ये है आप अगर चुनाव जीतते हो तो आप पूरे गाँव का विकास? पूरे गाँव का विकास करवाएंगे, एक गली नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल ग्राम पंचायत ढोडिया में सरपंच पद के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसे अपने गांव का मुखिया चुनते हैं। पिपरई से जगदीश यादव की।